टॉप 4 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 11,000 रुपीस। सो हे दोस्तों, क्या आपका भी बजट लगभग 11,000 रुपए और आप इस बजट के अंदर अपने लिए कोई अच्छा और परफेक्ट 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे 4 स्मार्टफोन जहाँ पर ना केवल आपको अच्छे खासे 5G बैंड्स मिलने वाले हैं, बल्कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस होगी, अच्छे कैमराज मिलेंगे और तो और अच्छे खासे 5G बैंड्स का सपोर्ट भी होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंडियन ब्रांड की जो कि दोस्तों काफी चीप प्राइस पर आपको 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन यहाँ पर लावा का ब्लेज 5G अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है आता है और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंच की एक HD+ की IPS LCD पैनल जहाँ पर कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है और अप टू 500 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। कैमराज की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमराज मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 1 VGA सेंसर आपको मिलेगा। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फ्रंट में आपको यहाँ पर LED फ्लैश भी मिल जाता है और आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वैसे कैमरा के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ब्यूटी, HDR, नाइट, पोर्ट्रेट, मैक्रो वगैरह। तो आपको यहाँ पर भर भर के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे और जहाँ पर आउटपुट की बात है तो डिसेंट आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का चिपसेट और बजट के अंदर आने वाला ये एक काफी अच्छा चिपसेट है जो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देता है और आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराता है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है। अंततु की बात करें तो ये स्मार्टफोन 3.75 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आती। वैसे इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की अच्छे साइज की बैटरी भी मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप दे देती है। साथ ही में ये फोन टाइप सी वाली पोर्ट के साथ में आता है और 10W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया। सो फोन का बैकअप भी अच्छा है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है और गारंटीड आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। सो नॉन चाइनीज के तौर पर ये एक काफी अच्छा 5G फोन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए नॉर्मली आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं 10,999 रुपए। पर गाइस, अभी ये जो स्मार्टफोन है बिना किसी बैंक ऑफर्स के आपको मिल रहा है 10,499 रुपए की प्राइस पर, और अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस पर आपको मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली अच्छे प्रोसेसर के साथ में आता है, अच्छी क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन दी गई है और तो भाई इंडियन ब्रांड की तरफ से, सो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फोन की। हालांकि दोस्तों, ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला फास्टेस्ट स्मार्टफोन है जहां पर आपको 12 5G बैंड्स भी मिलते हैं और ये स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का हॉट 20 5G। आपको प्लास्टिक बिल पर ही मिलेगा पर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी काफी यूनिक है। वहीं पर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.58 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल मिलती है। साथ ही में 500 nits की ब्राइटनेस दी गई है, NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है और 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमराज की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमराज मिलते हैं जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है और ये एक लो लाइट सेंसर है तो ये अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक QVGA सेंसर मिल जाता है। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, फोटोज वगैरह भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो फोन के अंदर लगा हुआ है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का चिपसेट जो कि आता है 6nm की फैब्रिकेशन पर, और इस बजट के अंदर आने वाला ये एक काफी अच्छा चिपसेट है जो कि आपको बजट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है, पर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि फोन के अंदर EMMC वाली स्टोरेज लगी हुई है जिससे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनग्रेड आता है, बट फिर भी इस बजट के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 18W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट और ये फोन भी आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर यहाँ पर आपको मिलता है XOS 10.6।
तो थोड़ी सी और बेटर स्पेसिफिकेशन और एक अच्छा खासा ट्रू 5G फोन है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात की जाए स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो नॉर्मली 4 और 64 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। पर गाइस इस समय पर यहाँ पर बिग सेविंग डेज चालू हैं और ऐसे में आपको यहाँ पर SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,500 रुपए तक का ऑफ मिल रहा है, यानी कि ये स्मार्टफोन इफेक्टिवली आपको मिल रहा है 9,999 रुपए की प्राइस पर। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा शुद्ध 5G फोन है और आपको यहाँ पर तगड़ी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है, सो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की। हालांकि ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये फोन भी काफी अच्छा है और स्मार्टफोन का नाम है पोको M4 5G। टाइम वगैरह के मामले में काफी यूनिक फोन है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना हुआ फोन है, बट बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 30 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी फोन की अच्छी है, वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात कर लेते हैं तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 2 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहां पर ठीक ठाक है, इमेज आउटपुट भी आपको यहां पर ठीक ठाक मिल जाते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट, जो कि 7nm की फैब्रिकेशन पर आता है और यहाँ पर आपको Antutu स्कोर लगभग 3.25 लाख के आसपास मिलते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस तो अच्छी है। साथ ही साथ ये फोन आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको मिलता है, सो फोन की परफॉर्मेंस इस बजट के अंदर काफी अच्छी है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट यहां पर भी आपको मिल जाता है। वैसे दोस्तों ये फोन एंड्रॉइड 12 के MIUI 13 पर आता है, तो थोड़े मोटे बग्स वगैरह आपको यहां पर मिलते हैं, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर अच्छा है। और हां दोस्तों ये अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। तो बात करें प्राइसिंग की, तो दोस्तों नॉर्मली आपको यहां पर 4 और 64 के लिए पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपए। पर दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर यहां पर आपको 1,000 रुपए का ऑफ मिल रहा है, यानी कि इफेक्टिवली ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलेगा 10,999 रुपए की प्राइस पर। सो दोस्तों फाइनली दोस्तों बात करें इसके आखिरी फोन की, तो यहां पर हमने लिखा हुआ है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का गैलेक्सी M13 5G। आपको डिजाइन और बिल्ड के मामले में काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है। साथ ही फोन की डिस्प्ले की बात कर ले तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी सी एवरेज है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं डबल कैमरास, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, लेकिन मेन कैमरा से आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 7nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो हीटिंग वगैरह आपको यहाँ पर काफी कम देता है। और वैसे ये स्मार्टफोन लगभग 3.25 लाख के आसपास स्कोर करता है Antutu पर, सो देखा जाए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी देता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 15W की चार्जिंग, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, सो बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको ठीक दिया गया है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 के कोर एडिशन पर, लेकिन बहुत जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी मिलेगा। वैसे अच्छी बात है कि ये स्मार्टफोन आपको 11 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 4 और 64 के लिए इस समय आपको देने पड़ेंगे 11,499 रुपए। और भाई 11,500 रुपए के हिसाब से सैमसंग की तरफ से आने वाला एक अच्छा खासा 5G फोन है, तो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे वो 4 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं इस समय लगभग 11,000 रुपए की प्राइस पर, और सभी के अंदर आपको अच्छे खासे 5G बैंड्स, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे कैमरास और अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।